एएम करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। इंडिया में बड़ी तबाही मच गई, हंगामा भरपा हो गया, मोदी भी परेशान। इंडिया की फजाई कंपनी एयर इंडिया का एक मुसाफिर त्यारा मुल्क की जनूबी रियासत केरला के शहर कालीकट के हवाई अड्डे पर उतरते हुए हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:41 पर पेश आया और हादसे का शिकार होने वाले त्यारे पर 10 बच्चों समेत 184 मुसाफिर और अमले के 7 अराकीन सवार थे। इब्तदाई तौर पर इस हादसे में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। हादसे का शिकार होने वाली एयर इंडिया की एक्सप्रेस प्रवास IX1344 जुम्मे की शाम दुबई से कालीकट के कोझिकोड हवाई अड्डे पर पहुंची थी और एयर इंडिया के तर्जमान के मुताबिक खराब मौसम में उतरते हुए त्यारा रनवे पर से फिसल कर नीचे जा गिरा। इंडियन ज़राए इब्लाग पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में बोइंग 737 त्यारे को टुकड़े टुकड़े हुए देखा जा सकता है। इंडियन खबर रसां इदारे ANI ने सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल के हवाले से खबर दी है कि त्यारा लैंडिंग के दौरान रनवे पर रुक नहीं सका और वादी में गिरकर 2 टुकड़े हो गया। इनका यही कहना था कि जिस वक्त त्यारा हवाई अड्डे पर उतरा तो हद निकाह बहुत कम थी। ख्याल रहे कि कोझिकोड के हवाई अड्डे का रनवे एक पहाड़ी पर वाकया है। हकाम के मुताबिक हादसे के बावजूद त्यारे में आग नहीं लगी और जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। खबर रसां अदारे रूटर्स के मुताबिक एयर इंडिया के तर्जमान ने बताया है कि इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं जबकि पुलिस हकाम ने 2 अफराद की हलाकत की खबर दी है। सिविल एविएशन के हकाम के मुताबिक इस हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।